नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से। रोहित हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सिद्धार्थनगर जिले के एसओजी सर्विलांस व लोटन पुलिस की संयुक्त टीम ने हत्या के दो आरोपियों को 24 घंटे में पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बारवा निवासी शिव पूजन ने अपने पुत्र रोहित के घर वापस न आने पर संदेह करते हुए परवेज और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद अपहरित रोहित की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। अभी किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचती कि रोहित का शव ग्राम सेम रहना में खून से लथपथ पड़ा मिला, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने लोटन पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी। हत्यारों को पकड़ने के लिए लोटन पुलिस एसओजी सर्विलांस की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 3 माह पूर्व रोहित ने चोरी के इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर योजना बनाई। प्रेमिका द्वारा रोहित को प्रेम जाल में फंसाकर 15 अगस्त को शाम सेम रहना नहर के पास बुलाया, जहां मैं और मेरे साथी सुनील ने पीछे से सिर पर डंडा मार दिया और लहूलुहान कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सुनील नेपाल भाग गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल ने मीडिया से प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़े गए अभियुक्त परवेज को चोरी के इल्जाम में रोहित ने जेल भेज दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अपनी प्रेमिका से मिलकर प्रेम जाल में फंसाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें परवेज को धर्मौली और उसकी प्रेमिका को उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे की तलाश अभी जारी है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। खास रिपोर्ट असदुल्ला सिद्दीकी के साथ। अगस्त 2023 को थाना लोटन क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिला था। तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया था और टीम बनाकर के घटना का खुलासा का निर्देश दिया गया। उसी के क्रम में आज 24 घंटा में घटना का सफल अनावरण किया गया है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम परवेज है। परवेज ने पूछताछ में यह बात बताया है कि मृतक के परिवार ने उसे 3 महीना पूर्व चोरी की घटना में जेल भेजा था, जिसके बाद से ही वो रंजिश रखने लगा और सही मौका देखते हुए उसने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम पिंकी यादव है, पिंकी के साथ मिलकर के यह घटना कारित की और इसमें आला कत्ल बरामद किया गया है, जिससे वार करके मृतक की मृत्यु हुई। इसमें कठोर धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और भविष्य में भी इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी टीम को हमारी तरफ से 5,000 का पुरस्कार घोषित किया। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में नाक कान गले के रोगों की समस्याओं का सफल इलाज। ENT रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर लव कुमार MBBS DLO मिलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। हमारा पता प्रथम तल नगर निगम मार्केट जिला अस्पताल के सामने स्पीड कलर लैब के ऊपर फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9675770146 7798904825। मैं डॉक्टर लव कुमार यादव ENT सर्जन, जो कि सरकारी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने नगर निगम की मार्केट में क्लिनिक है मेरा। मेरा जो टाइमिंग है यहाँ 11 बजे से लेके 3 बजे तक है। सोमवार से लेके शनिवार तक मैं डेली यहीं बैठता हूँ अपने क्लिनिक पे। मेरे क्लिनिक पे सारी सुविधाएं हैं, इलाज की भी सुविधा है और सभी तरह की नाक कान गले की सर्जरी की भी सुविधा है। मैं हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जो बाहर से रेफ़र होके आते हैं, जो कुछ बच्चे आर्मी की भर्ती देखते हैं, उनमें से किसी को दिक्कत आती है कि उनके पर्दे में छेद है, उनके पर्दा ही नहीं है। ऐसे लोगों के भी इलाज की सुविधा है, ऑपरेशन की सुविधा है। जो ऑपरेशन बगैर कट लगाए किया जाता है उसमें कोई टांका या चीरा नहीं लगता है, उस ऑपरेशन की भी सुविधा है। नाक की हड्डी जिनकी टेढ़ी है उसको सीधा करके ऑपरेशन करने की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ।